अच्छा इसका रिजल्ट आता है उतना फ्लफी होता है। मैं अब ये ग्रीसिंग कर रही हूँ इस सांचे को और अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो उसको अब हम इस सांचे में इस मोल्ड में डालेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग कर रही हूँ ताकि ग्रीसिंग की वजह से ये चिपके ना। उसके बाद इसमें कपकेक के डिस्पोजेबल कपकेक जो कप्स होते हैं वो रखें और इसको इसमें अब चॉकलेट की जो बैटर बना के रखा है केक का वो मैं डाल रही हूँ। कोशिश करें कि इसमें आप हाफ हाफ डालें क्योंकि ये बेक होने के बाद फूलता है, तो वो फूलने के बाद अच्छा खासा ऊपर तक आ जाता है। तो हाफ कप में डालें और ये गिर गया है तो अभी मैं इसको कोई नहीं होता है, कभी कभी इसको हम साफ़ कर लेंगे। मैंने हाफ हाफ कप उसमें सारा चॉकलेट का बैटर, चॉकलेट केक का बैटर जो बनाया हुआ था वो डाल दिया। फिर डालने के बाद हल्के से इस तरह से शुरू करें और ताकि बबल्स ख़त्म हो जाए। और ये चॉकलेट चिप्स डाल दिए हमने, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये प्री हीट करी है मैंने पहले से अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई, ये मैं ओवन के बगैर बनाना सिखा रही हूँ इसलिए 20 मिनट तक प्री हीट कर लें। उसके बाद इसमें हमने एक स्टैंड रखना है, ठीक, जो ये मेरे पास स्टैंड है, इस तरह आपके पास भी होगा। और इसके बाद इसमें ये मोल्ड हमने सेट कर दिया है अपना सारा, और अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, ठीक है। और इसको बार बार खोल के मत देखिएगा, 20 मिनट के लिए हमने बेक होने रख दिया है। अगर ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करके बेक करें 30 मिनट्स तक कम से कम, ठीक है। अभी ये हमारा केक रेडी होकर आ गए हैं, अब हम इसमें जल्दी से होल कर रहे हैं ताकि हम इसमें न्यूट्रेला की फिलिंग करेंगे। और ये मैंने होल जो करे हैं वो जो नोज़ल होती है कप ये गार्निशिंग की उससे करें, इसमें हमने न्यूट्रेला फिलिंग चॉकलेट न्यूट्रेला चॉकलेट की फिलिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा थिक होती है तो अभी निकल नहीं रही है, तो मैं इसमें अब ये थोड़ा सा जो हमारी
फाइवी की स्ट्रिक्ट होती है उसके से मैं इसके अंदर फिलिंग कर रही थी। इस तरह सारे कपकेक्स में आप न्यूट्रा की फिलिंग कर दें, ठीक है। और ये सारी मैंने फिलिंग कर दी है। अब ये फिलिंग करने के बाद आप इसके जो कपकेक के ऊपर से होल करने के बाद जो हमने पार्ट्स अलग किए थे वो वापस हम इस पर लगा देंगे सारे, ठीक है। ये सारे मैंने इस पर लगा दिए हैं और अब हम इसकी गार्निशिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी क्रीम यूज़ बनानी है टॉपिंग। वन कप व्हिप क्रीम ले ली मैंने। इसी में हमने 2 टेबल स्पून शुगर डाली। व्हिप क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है इसलिए, और इसको बहुत ज़बरदस्त सा बीट करें, जितना फ्लफ़ी हो सकता है ये करें। कम से कम आपको इसको फ्लफ़ी करने के लिए 20 to 25 मिनट्स अच्छी तरीके से बीट करना पड़ेगा। 7 स्पीड पे करें, 5 स्पीड पे करें, ठीक है। और जब ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है, देखें तो मैंने अभी ये चॉप कोको पाउडर जो है 1 टेबल स्पून वो डाला है। और अब ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से इस तरह आप स्पैचुला से अपने मिक्स कर लें। और ये मिक्स करने के बाद फिर से मैं इसको बीट करूँगी ताकि ये पूरा एक जान हो जाए। तो अभी मैंने इसको दोबारा से बीट करना शुरू कर दिया। ये मेरा बीट हो गया है और ये हमारी टॉपिंग की क्रीम रेडी हो गई है। अब हमने एक ग्लास लेना है, उसमें ये टॉपिंग का रखना है और उसमें ये सारी क्रीम हमने डाल देनी है। और फिर इस तरह करके आप एक साथ कर लें सारा टॉपिंग का जो क्रीम है, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने नोजल फ्लावर वाली लगाई है। बच्चों ने फरमाइश करके बनवाया है मुझसे, तो अब ये इन्होंने उठा लिया और ज़बरदस्त मज़ेदार। तो मेरे से रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।